हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट ईयर रिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हुक 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, ईयरिंग हुक, जंप रिंग, प्लायर और स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई, चेन वन। इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस रिंग में सिक्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिक्स सिंगल क्रोशे बना लिए। थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन यानी वन डबल क्रोशे। नेक्स्ट टू चेन, नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू चेन, वन टू, नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टू चेन बना लिए, यहाँ से वन टू थ्री, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट यहाँ चेन गैप बनाए हैं, चेन गैप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, स्किप फोर चेन, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ चेन में स्लिप स्टिच। नेक्स्ट टू चेन, वन टू, सेम गैप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में टू सिंगल क्रोशे, फिर से चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, स्किप फोर चेन, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ चेन में स्लिप स्टिच। नेक्स्ट टू चेन, वन टू, सेम गैप में टू सिंगल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे, सेम गैप में सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, यहाँ चेन गैप बनाए हैं, स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, सेम गैप में स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन बनाएंगे, वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेम गैप में स्लिप स्टिच, फिर से चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, सेम गैप में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट थ्री चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन बना लिए, स्किप टू सिंगल क्रोशे, वन टू, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच, फिर से चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, यहाँ इस गैप में स्लिप स्टिच डालेंगे, सेम पैटर्न में से बना लेंगे, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, लास्ट थ्री चेन बना लिए, यहाँ फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, रेट को कट करेंगे, इस तरह से बना लेना है। नेक्स्ट इसके बैक साइड में हम स्टार सप्लाई करेंगे, इस तरह से स्टार सप्लाई करना है, मिडिल में स्टार सप्लाई करेंगे, नेक्स्ट से शेप देंगे, इस तरह से शेप देंगे, नेक्स्ट हुक की हेल्प से यहाँ शेप देंगे, इस तरह से नेक्स्ट यहाँ इस तरह से हुक डालेंगे, शेप देंगे, से हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे, थ्रेड को चिपकाएंगे, इसको कट करेंगे, नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे, ईयरिंग हुक लेंगे, इसे हम इस डायरेक्शन में घुमा लेंगे, हुक को इस तरह से घुमा लेंगे, इस तरह से घुमा लेना है। नेक्स्ट जंप रिंग लेंगे, इसको खोलेंगे, इसको हम यहाँ मिडिल में इस तरह से डालेंगे, ईयरिंग हुक लेंगे, इसे डालेंगे, इसको बंद करेंगे। फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट है। फ्रेंड्स हमारे दोनों ईयरिंग्स रेडी है, आप भी इसे बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्यूट ईयरिंग्स है ये।